रोहतास जिले का गैमन पुल उस समय रन क्षेत्र में तब्दील हो गया जब अवैध रूप से ढुलाई कर रहे बालू लदे वाहनों को रोकने जिला प्रशासन की टीम पहुंची। बालू माफियाओं ने टीम पर हमला कर दिया। वहीं इस हमले में खनन विभाग की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर उपद्रवियों को खदेड़ा, लेकिन बालू माफिया डेहरी औरंगाबाद के बीच स्थित सोन नदी की गैमन पुल पर 80 से अधिक बालू लदे ट्रैक्टर से बालू बीच पुल पर गिराकर भाग निकले। भागने के क्रम में एक ट्रैक्टर चालक पुल से सोन नदी में कूद गया। पुलिस ने भी उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए जमकर लाठियां भांजी। इस हमले में आधे दर्जन पुलिस कर्मियों सहित देहरी थाने के SHO को भी चोटें लगी हैं। सहायक खनन पदाधिकारी मनोज अम्बस्ट ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि औरंगाबाद जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से सोन नदी पुल से रोहतास जिले में अवैध बालू लाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सोन नदी पुल पर पहुंचने पर देखा गया कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों से अवैध बालू ढोया जा रहा था। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो माफियाओं ने ईंट पत्थर से उन पर हमला बोल दिया। 80 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर माफियाओं की चलने नहीं देंगे। टीम में टाउन इंस्पेक्टर कामख्या नारायण, डेहरी SDO लाल ज्योतिनाथ साहदेव, SDPO संजय कुमार शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24 लाइव। औरंगाबाद जिला में गुजरात लगातार आप जान रहे हैं कि औरंगाबाद में छापामारी और चेकपोस्ट और गश्ती चला है। औरंगाबाद की स्थिति नियंत्रित थी, लेकिन सूचना मिली कि वहां से औरंगाबाद में 40-50 ट्रैक्टर अवैध रूप से रोहतास जिले में घुसने वाले। सूचना पर थाना प्रभारी हम लोग सबसे पहले पहुंचे, लेकिन माफिया लोग जो है गाड़ी पर पत्थरबाजी की है, फिर गाड़ी पर हमला हुआ है, फिर फोर्स पर चोट आई है। उसके सारे तरफ से स्टीम साहब आ गए, दरियट थाना, डेहरी थाना, निकटवर्ती सभी थाना आए हैं और ये लोग सारा देख रहे हैं आप कि बालू रोड पर गिरा के GT रोड जाम करते हैं। अब हम लोग अपने सरकारी मदद से गाड़ियों को ले जाके ले जाएंगे।